इलेवेंथ क्लास में जो हमारा चैप्टर टू है उसका हम रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, PA2 के लिए। तो मैं उसमें आपको जो डायमेंशन से रिलेटेड कंसेप्ट था वो बता चुका था। आज हम एरर के बारे में देखेंगे, ठीक है, एरर रिवीजन करेंगे एरर के बारे में। तो एरर जो होता है हमारे पास, तो एरर में ये आपको बताया गया था कि कोई भी अगर मेजरमेंट है उसमें अगर हमारे पास कोई मिस्टेक हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं आप, एरर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी हमारे पास मेजरिंग स्केल द्वारा अगर आप कोई भी लेंथ नाप रहे हैं, कोई भी ब्रेथ नाप रहे हैं, कोई वॉल्यूम नाप रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी नाप रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हो सके, तो उसमें जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, एरर बोलते हैं, ठीक है। तो एरर हमारे पास टू टाइप की होती है, एक होती है आपकी सिस्टमेटिक एरर और एक होती है आपकी रैंडम एरर, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास एरर हैं जो हमारे पास इन्हीं के अंदर टाइप आते हैं हमारे पास, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है उसे हम क्या काम कर सकते हैं, उसे हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं आसानी से। जो हमारे पास रैंडम एरर है उसे हमारे पास हम ईजिली रिमूव नहीं कर सकते, ईजिली नॉट रिमूव नहीं हो सकती रिमूव, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं केवल हम कि जो वैल्यू है रैंडम एरर की उसमें थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप, कम्प्लीटली आप इसको नहीं कर सकते रिमूव। जो सिस्टमेटिक एरर आपके इसमें क्या था आपका, जैसा आपकी पर्सनल एरर है तो वो भी हमारे पास जो टाइप है वो इसी में आता सिस्टमेटिक एरर में, कि कोई भी अगर हमारे पास आप क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप अनएक्सपीरियंस हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपसे एरर आ सकती है, या किसी के आई में डिफेक्ट है, ठीक है। तो वो पर्सनल केस है कि हाँ भाई एक पर्सनल आई के लिए हमारे पास उसे सही रीडिंग नहीं पढ़ पा रहा, वो अगर कोई अदर आ रहा हमारे पास वो पढ़ सकता है उसे सही करके, यानी कि उसको हम सिस्टमेटिकली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल एरर अगर है। ऐसी होती है हमारे पास जीरो एरर, तो अगर हमारे पास जीरो एरर है, आपका जीरो जो है हमारे पास शिफ्ट हुआ है किसी स्केल में, तो वहाँ होती है जीरो एरर, तो आप नया ऑपरेटर से लेकर इस जीरो एरर को भी रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही होती है आपका हमारे पास टेक्निकल जो एरर, आपका टेक्निक का आपको ज्ञान नहीं है, टेक्निक इम्परफेक्शन, आपसे रीडिंग लेनी नहीं आती, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगी उसको बोलते हैं टेक्निकल एरर। ऐसे ही एरर हो सकती है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर की जो एरर है, फैक्टर की वजह से हमारे पास कोई एरर आ सकती है, ठीक है, तो ये हो सकता है हमारे पास लिस्ट काउंट की वजह से आपकी एरर आ सकती है, लिस्ट काउंट एरर। तो जितने भी एरर हमारे पास ये सब टाइप किस चीज़ के हैं, सिस्टमेटिक एरर के टाइप है, तो हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं हम इन्हें, लेकिन जो रैंडम एरर है उसे हम केवल मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपका आप किसी लेंस की फोकल लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपका थोड़ा चेंज आने के चांस रहेंगे, ठीक है, या कोई आपकी ऐसी वैल्यू आ रही है कि वो हर बार आपसे रीडिंग में थोड़ा मतलब वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो वो रैंडम एरर है। तो इस केस में आप क्या काम करा करेंगे, आप मीन निकाला करेंगे और आप कई बार वैल्यू फाइंड कर लगा करेंगे, रीडिंग कई बार ले आया करेंगे आप, ठीक है, नंबर ऑफ जो रीडिंग है वो बढ़ा दिया करेंगे कि हाँ भाई A1 की वैल्यू इतनी है, A2 की वैल्यू इतनी है, A3 की वैल्यू इतनी है, इस टाइप से आप रीडिंग ले लिया करेंगे, और फिर क्या निकालेंगे उनका आप मीन निकालेंगे, मीन, ठीक है। इसी में अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो पहले मीन एरर फाइंड किया करेंगे, उसके बाद हम निकालते हैं इसमें एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तीसरा इसी में क्या काम करते हैं हम, इसमें निकालते हैं हम रिलेटिव, ये कहते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर, ये निकाला करेंगे आप, और इसके बाद आता है आपका रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, ये फाइंड किया करेंगे आप, और इसके बाद निकाला करेंगे आप परसेंटेज एरर, ये निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं इसका, कि आपको फर्स्ट टाइप एरर के चार टाइप होते हैं हमारे पास, तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपके न्यूमेरिकल
वो आपका तरीका क्या है उनका, क्या होगा, आपको क्वेश्चन देगा, ए वन की वैल्यू देगा कुछ, ए टू की वैल्यू ठीक है मिलेगी आपको, हाँ भाई 3 पॉइंट समथिंग है ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग है ठीक है, ए थ्री की वैल्यू इस टाइप से लिखी हुई होगी आपकी 3 पॉइंट समथिंग, ए फोर की वैल्यू लिखी हुई होगी आपकी इसी टाइप से, ए फाइव की वैल्यू लिखी हुई होगी आपकी इसी टाइप से, तो इस टाइप से आपको वैल्यू देगा, 5 हो 6 हो 8 हो, जितने भी आपके नंबर ऑफ रीडिंग हो सकती हैं। ये आपका ए टाइम पीरियड भी हो सकता है किसी पेंडुलम का, रेडियस भी हो सकती है ठीक है, या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास मेजरमेंट हो सकता है। और ये हमने कई की बार वैल्यू ली हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये रैंडमली एरर आ रही है, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, मीन निकालना है आपको फर्स्ट केस में, तो मीन एरर में क्या काम करेंगे आप, ए एम निकाला करेंगे, मीन निकाल कर जितने भी आपकी वैल्यू हैं आप सबका सम कर दिया करेंगे इसमें क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको जितनी काउंटिंग करके ही ना 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दिया करेंगे, 6 से तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आपको फिज के बाद क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में क्या काम करेंगे आप, जो आपका ए एम की वैल्यू अलग करेगी यहाँ से सोल्व होकर, फिर आपको निकालना है डेल्टा ए वन, कैसे निकाला करेंगे आप, ए एम डिफरेंस ठीक है, ऐसे हमारे पास ए टू निकाला करेंगे आप, ए में से ही आपको माइनस करना है, डेल्टा ए थ्री फाइंड किया करेंगे आप, ए एम माइनस ए थ्री, डेल्टा ए फोर फाइंड किया करेंगे आप, ए एम माइनस ए फोर ठीक है, डेल्टा ए फाइव आप फाइंड किया करेंगे इसी टाइप से, ए एम माइनस ए फाइव, ये आपकी वैल्यू आ जाया करेंगे ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि अगर वैल्यू आपकी माइनस में भी आती है हाँ, तो आपको उसको प्लस में ही लेना है टोटल वैल्यू को, क्योंकि एक कैसे मोड है, मोड का मीन्स है कि हमें डिफरेंस निकालना है और केवल बड़ी वैल्यू को ही लेना है, ये निकाल लिया करेंगे आप। दो टाइप आपके कंप्लीट हो जाया करेंगे यहाँ से। तीसरे टाइप में आप क्या काम करा करेंगे, आपको मीन निकालना है इन्हीं का, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वाला पार्ट फाइंड किया करेंगे आप, एरर क्या काम करना है आपको, यहाँ डेल्टा ए एम फाइंड करना है, जो आपकी वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा ए वन का मोड, डेल्टा ए टू का मोड, डेल्टा ए थ्री का मोड, इसी टाइप से जो वैल्यू आपकी 5/5 से डिवाइड कर देगा जो आपकी वैल्यू आई थी अब ठीक है, यहाँ से आपकी ए एम की वैल्यू भी आपको मिल जाया करेगी। फोर्थ पार्ट में आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन में आपको निकालनी है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे आप, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, और इस टाइप से निकालना करेंगे आप, जो डेल्टा ए एम की वैल्यू आपकी यहाँ मिली करेगी और जो ए एम है वो आपको स्टार्टिंग में जो वैल्यू मिली थी उसको लिख दिया करेंगे आप। इसी के बाद 5 नंबर पर आता आपका परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर उसमें आप क्या काम करा करेंगे, जो आपका आंसर आ चुका है उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपकी जो एरर आया करेगी वो परसेंटेज में आ जाया करेगी ठीक है। तो ये जो वहाँ पर एरर का फर्स्ट टाइप है ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, उसे आज आप कर लेंगे, और जो एरर है इसमें सिस्टमेटिक एरर और जो आपका रैंडम एरर है इनके जो टाइप हैं वो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और कोई भी बुक हो सब में लिखे हुए हैं, तो उसका आप रिविज़न आपको करना है आज एरर से रिलेटेड ठीक है। जनरली जो एरर का फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज एरर का, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी आपकी किसी क्वेश्चन की, स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी आपका मेजरमेंट है, डिफरेंस आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो आप उस टाइम वैल्यू कितने लेकर आए हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू और इनटू 100, ये होता है आपका परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है आपकी, आपने एक्सपेरिमेंट अगर किया है उसी के लिए तो वैल्यू फाइंड की होगी आपने, जैसा आपका मान लीजिए ग्रेविटेशन या कह सकते हैं आपका ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया सिंपल पेंडुलम का, तो आपकी वैल्यू आई निकल कर कितनी 9.76 इस टाइप से, तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती कितनी आपकी 9.8, वो आप यहाँ रखा करेंगे ठीक है। डिफरेंस जो एक्सपेरिमेंटल कितनी आएगी वैल्यू 9.76, वो आप यहाँ रखा करेंगे इस टाइप से ठीक, और अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू रखा करेंगे आप 9.8 और इंटू आप 100 निकाल करेंगे, तो यहाँ आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं इसमें जो हमारा मेजरमेंट है इसमें ठीक है। और एक यहाँ एक नाम आता है लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट का मीन्स होता है
किसी भी एपरेटस द्वारा हम कम से कम कितना एक्यूरेट माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको आप बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, मिनिमल जो मिनिमम है वो मेजरमेंट कितना कर सकते हैं आप, एक्यूरेसी कितनी है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट टाइप का जो एरर का टाइप है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कल सेकंड टाइप के बताएंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको रिवीजन करते रहना है।